बहुत अच्छा है, स्प्लेंडेड वर्क। ओह या, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये कैरी ऑन। थैंक यू मैम। फोन। जस्ट अ मिनट। या, वेयर आर यू? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। यू जस्ट टेल मी। सी, आई टोल्ड यू 1,000 times। It is just impossible. You know it very well. Chintu and Soju are not interested in keeping in touch with me. I shall call you later. I am in a meeting. Call from Harsh. He is going to Texas from Michigan. Let him go anywhere. Ma'am, ma'am. Where you are up to, man? I'm terribly lonely. Why can't we get along? Thank you. अरे पूरी लाइब्रेरी उठा के ले आए क्या? श्री, नेक्स्ट वीक ओपन डिफेंस, यू मस्ट कम। ओके। अरे श्री कुमार, वो तुमसे एक बात करनी थी मुझे। प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है कि तुम्हारे वाउचर को रिचेक करना है। लेकिन क्यों? 3 महीने पहले तुम उन आदिवासी को लेकर आए थे ना? हाँ। उन लोगों को तुम टैक्सी में क्यों लेकर आए थे? बस में नहीं ला सकते थे क्या? उन लोगों के लिए सेपरेट रूम क्यों लिया है? उनको गेस्ट हाउस में नहीं रुकवा सकते थे क्या? ऐसा उन्होंने बोला है। ये क्या है सर, वो लोग भी तो इंसान ही है। यहाँ दूसरे देश से शेख लोग आते हैं, सेमिनार पेपर तैयार करने के लिए दूसरे लोगों को लेकर आते हैं। वो लोग 5-star होटल में दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं और मजे करते हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? देखो श्री कुमार, तुम मेरे खास हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। अभी मुझे क्या करना है? देखो, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है श्री कुमार, ये सब यहाँ के रूल्स हैं। कल तुम मैडम से मिलके उन्हें कैसे भी कन्विंस कर देना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। मैम, आपका ड्रेस सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। Really fantastic. Yeah. ये चेन आपने कहाँ खरीदा मैम? It is from Milan. Oh. आपके ऊपर ये साड़ी अच्छी लगी। हाँ। योगा करने से आप इतने स्लिम हो क्या मैम? ओह, तो आप योगा भी करते हो मैम? ऐसा कुछ नहीं है। What is this? Manners नहीं है? रूम के अंदर एंटर करने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? मैडम, आपने बुलाया? जब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आए थे? What's the topic? Do you still remember it? Anyhow, it is not anything connected with tribal dance or music. Yes, ma'am. At what way you're doing that with those tribal people? Were they brought here for your merrimaki? You have completed 4 years as a researcher. लेकिन अब भी तुझे linguistic discipline के बारे में नहीं पता है। ये कोई कुमार व्यास की कविता नहीं है और वसीर की कोई कहानी भी नहीं है। It is a science. And in study of any science demand, discipline works as responsible behavior. Understand? Now get out. Thank God, correct time पर वो आ गए। मैडम ने इसे सही से पढ़ा ही नहीं है। कैसी हो? अरे काफी दिन हो गए मिले हुए। मैं करूंगा पर मैडम लगता है वो मानेंगे नहीं। अरे तुम तो क्लैश तो नहीं है बट आई एम श्योर शिवान। पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं, मैंने बोला था कि हॉस्पिटल में दिखाते हैं।
ए सुन, इवनिंग में जेजा की बर्थडे पार्टी है, हमें उसमें जाना है। और वो हार्ड डिस्क कहाँ है? बेड के नीचे है। एडमिट किए बिना घर पे ही दवाई चले तो ठीक नहीं है? मैंने भी वही पूछा था। तुमको तुम्हारे पिताजी के अलावा और कोई लेटर भेजता है क्या? जय कुमार, तुम ठीक हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आशा है कि सब ठीक है। यहाँ के बारे में तो तुमको पता ही है ना? अभी तक तुम्हारी चाचा की कोई खबर नहीं आई है। एक बात और बतानी थी, विदेश से कुमार सर का लेटर आया है। उन्होंने पूछा है कि श्री के लिए बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बैंक का भी 2 बार नोटिस आ चुका है। सुनो बेटा, अभी तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इस बारे में सोचना। तुम्हारे पिताजी। अगर देखा जाए तो आजकल की टेक्नोलॉजी उन्हें समझ नहीं आती है। वो लोग जैसे पहले जीते थे वैसे जी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन लोग अपनी भाषा खोनी पड़ रही है। उन्हें जीने के लिए उनकी आदतें, उनकी सारी जरूरतें। ये क्या है? ये ट्राइब्स के बारे में विचार है या राजनीति की प्रचार है? इस जगह में भाषा की मेथोडोलॉजी को किसी ने कभी यूज ही नहीं किया है। श्री कुमार की कंक्लूजन्स को हेस्टन एंड शैलो पहले ही बता चुके हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस थीसिस के चैप्टर 1, 3 और 7 में जो भी बात लिखी गई है उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। लेकिन हम सभा में जरूर आएंगे श्रीमान। श्री कुमारन के थीसिस सोशल लिंग्विस्टिक में वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार ओन रिलेशनशिप बिटवीन न्यू सोशल इंफॉर्मेशन एंड लिंग्विस्टिक क्राइसिस आर वंडरफुली ब्रिलियंट। ब्रेव न्यू आइडियाज, ऑफ कोर्स वी ऑल वेलकम देम, पर ट्राइब्स के बारे में रिसर्च कंक्लूजन को कलेक्ट करने के लिए ये थीसिस इनकम्प्लीट है। वर्क साइट में 3 जर्नलिस्ट का नाम गलत दिया है। 2 सब्जेक्ट के लिए ईयर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं है। सो You should rework and resubmit this thesis after 6 months. मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी की बात से सहमत हूँ। I strongly disagree. प्रोफेसर की बात 100% सही है। It is simply and democratic and human. पर्सनल दुश्मनी इसमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसकी 4 साल की मेहनत को आप बस 4 बातें बोलकर नीचा दिखा रहे हैं। तो उसका क्या हुआ? क्या बोलेंगे? कह रहे हैं स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये ब्यूरोक्रेसी सब जगह पर है। अरे मुझे खाना नहीं दिए। मैस फी ना देने की वजह से खाना भी कट हो गया। ऊपर का ऑर्डर है। अरे ये किस तरह की हरकत है? ये सब तुम उनसे ही जाके पूछो। ये किसी को नीचे दिखाने जैसी है। ऊपर से ऑर्डर आया है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे कौन ऊपर वाला? तुम चुप रहो। अरे हम चुप रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुसीबत मत खड़ा कर, तू खाकर आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। कुमार, मुझे माफ कर देना, मुझे भी तो ऑर्डर ऊपर से आते हैं। वो सब छोड़ो भासु भाई, तुम सारे बच्चे मेरे बेटे की तरह ही तो हो। अच्छा बेटा सुनो, मेरे कमरे में चलो, भूखे मत रहो, मेरे साथ खाना खा लेना। वो सब नहीं चाहिए। इट्स ओके भासु भाई।